दोस्तों आप अपने कुछ ऐसे वॉइस को कुछ ऐसा बना सकते हो विथ जस्ट एक क्लिक। डू यू नो गाइस, किसी भी वीडियो की उसकी हार्ट होती है उसकी वॉइस। अगर आप वीडियो में कितने भी एफर्ट्स को लगा दो, चाहे आप बहुत ही अच्छे से उस वीडियो को एडिट कर दो, चाहे दोस्तों आप उस वीडियो में कितने भी अच्छा इंफॉर्मेशन दे दो, अगर ऑडियंस को आपकी वीडियो में जो भी आप बोल रहे हो वो समझ नहीं आती है, उस वीडियो की आवाज क्लियर नहीं रहती है, तो ऑडियंस आपके उस वीडियो को नहीं देखेंगे एंड आपकी जो भी सारी एफर्ट्स है वो वेस्ट चली जाएगी। तो अगर दोस्तों आप एक न्यू क्रिएटर हो एंड आपको वीडियो एडिटिंग की ई भी नहीं मालूम एंड ना ही साथ ही आपके पास कोई कॉस्टली माइक पड़ी है, तो मैं ये 100% कंफर्म बोल सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को आज देख लेते हो, नेक्स्ट वीडियो देखने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी चैलेंज करता हूँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो अच्छी तरह से दोस्तों, विदाउट मिस किए इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हो एंड अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आप मेरे इस वीडियो को डिसलाइक कर देना एंड कॉमेंट में लिख देना वेस्ट ऑफ टाइम, बस वीडियो को आप एंड तक देखो। तो अब चलिए चलते हैं, लेट्स गो हम अपने वीडियो पे। वेल दोस्तों, तो सिंपली से मैं यहाँ पे आज को अपने लैपटॉप स्क्रीन पे एंड सिंपली से मैंने यहाँ पे गूगल को ओपन कर रखा है एंड अगर आपके पास फोन है या फिर लैपटॉप है, आप दोनों जगह यहाँ पे इस तरह से गूगल को ओपन कर सकते हो। जो भी तरीका बताने वाला हूँ वो स्मार्टफोन एंड लैपटॉप दोनों जगह वर्क करती है। तो सिंपली से गूगल को ओपन करने के बाद देन आपको सर्च बार में जाना है एंड सिंपली से यहाँ पे आपको दोस्तों लिखना है एडोब पॉडकास्ट। लिख के सिंपली से आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे आपके सामने एडोब पॉडकास्ट खोल के आएगा, सिंपली से इस वेबसाइट को आपको यहाँ से ओपन करना है एंड देन यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको एडोब पॉडकास्ट का दिखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो, अगर नीचे सभी चीजों को पढ़ सकते हो, मैं इस वीडियो में इतना नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो जिस तरह से दोस्तों एडोब प्रीमियर प्रो है एंड एडोब फोटोशॉप है और इसी तरह के जो भी और एडोब के सॉफ्टवेयर है, तो सेम उसी तरह से दोस्तों एडोब का ये पॉडकास्ट नाम का एक वेबसाइट है, जहाँ की दोस्तों इजीली से दोस्तों जस्ट वन क्लिक एआई के मदद से दोस्तों आप अपने ऑडियो फाइल को बिल्कुल से इनहेंस कर सकते हो। उसमें जो भी बैकग्राउंड है, जो भी नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड में, चाहे इको हो रही है उस वीडियो में, जो भी चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम है उस ऑडियो फाइल में, वो सारा चीज जस्ट वन क्लिक एआई की मदद से आप ठीक कर सकते हो एंड आप अपने नॉर्मल ऑडियो को एकदम क्रिस्प एंड बहुत ही मस्त बना सकते हो। तो चलिए दिखाता हूँ कि इस वेबसाइट में आने के बाद आपको क्या करना है, किस तरह से जस्ट वन क्लिक में एआई की मदद से आप अपने ऑडियो को एडिट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो एडोब पॉडकास्ट के जस्ट साइड में यहाँ पे आपको टूल बटन देखने को मिल रहा है, तो सिंपली इस टूल बटन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक इनहेंस स्पीच, सेकंड माइक चेक एंड थर्ड स्टूडियो। तो सिंपली से अगर आपके पास ऑलरेडी ऑडियो फाइल पड़ा है एंड उसे आप उस ऑडियो फाइल को इनहेंस करना चाहते हो, उसको ठीक करना चाहते हो, सिंपली आपको इनहेंस स्पीच पे क्लिक करना है एंड यहाँ आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा एंड यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल थोड़ा सा नीचे करते स्क्रॉल करके, देन आपको यहाँ पे कुछ प्रीमियम वगैरह देखने को मिलता है। बट डरो में ही, मैंने आपको जस्ट बोला बिल्कुल से फ्री में जस्ट वन क्लिक आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो उसके लिए सिंपली से आपको फिर से स्क्रॉल करके ऊपर चले जाना है एंड यहाँ पे देख सकते हो जस्ट साइड में लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड साइन अप फॉर ए फ्री अकाउंट टू बिगेन। तो सिंपली से आपको यहाँ पे साइन अप बटन पे क्लिक कर देना अगर आप भी इस जगह पे नए हो। ऑब्वियसली बात है, मैं आपको अभी पहली बार बता रहा हूँ, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप यहाँ पे बिल्कुल से नए हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप गूगल के साथ, फेसबुक के साथ, एप्पल आईडी के साथ या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ एक अकाउंट को क्रिएट कर लो, बहुत ही इजी प्रोसेस। एंड देन जैसे ही आप लॉग इन वगैरह कर लेते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस अगेन आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो ड्रॉप फाइल टू इनहेंस, सिंपली से यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है एंड देन जहाँ भी आपका वो ऑडियो फाइल रखा है सिंपली से उसे सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे देख सकते हो अपलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे मैक्स टू मैक्स ये 3 से 4 मिनट लेगा उस ऑडियो को एडिट करने में, उस ऑडियो को इनहेंस करने में एंड उसमें जो भी प्रॉब्लम रहेंगे वो सारे हट जाएंगे। जैसे कि अगर उस वीडियो में इको है एंड बैकग्राउंड नॉइजेस हैं, जो भी जहाँ प्रॉब्लम है उस ऑडियो फाइल में, वो सारे चीज इजीली यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। वेल यहाँ देख सकते हो योर ऑडियो इज रेडी। तो सिंपली से यहाँ पे देख सकते हो इनहेंस स्पीच, अगर इसे ऑफ कर दो एंड यहाँ से प्ले कर दो तो जो आपका इनहेंस नहीं है, मतलब जो आप पहले ऑडियो रॉ फाइल यहाँ पे डाले वो सुनाई देगी, बट अगर इनहेंस स्पीच करके आप सुनते हो देन यहाँ पे आपको दोस्तों आपका जो वीडियो है, जो भी सॉरी ऑडियो है, वो इनहेंस होने के बाद कैसे सुनाई देगी वो आपको पता चलेगा। सो आपको मैं आपको सुनाता हूँ विदाउट इनहेंस और इनहेंस में फ़र्क आप खुद ही पता कर पाओगे। तो एक मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ इनहेंस स्पीच एंड यहाँ पे मैं ऑडियो को चालू करता हूँ। दोस्तों आप अपने कुछ ऐसे वॉइस को ये जो अभी सुना दोस्तों वो रॉ फाइल थी जो कि मैंने
डाला था सिर्फ जस्ट रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे मैंने डाला था। सो अब यहाँ पे इनहेंस स्पीच को इनेबल करके सुनते हैं कितना फ़र्क है। सिंपली से यहाँ पे इनहेंस स्पीच को मैं इनेबल करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इस ऑडियो को अगेन चलाता हूँ। कुछ ऐसा बना सकते हो विथ जस्ट ए क्लिक। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट वन क्लिक कितना आसानी से आप दोस्तों अपने ऑडियो को यहाँ ड्रॉप करना है जस्ट एडोब पॉडकास्ट में एंड ईजिली जस्ट आपको 2 से 3 मिनट के अंदर आपका वो ऑडियो फाइल एडिटेड मिलेगा। एंड सिंपली से आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन दिख रहा है तो सिंपली से जब आपको फाइल रेडी हो डाउनलोड प्रेस करो एंड ये ऑटोमेटिकली से दोस्तों डाउनलोड होना जैसे देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपली से दोस्तों कुछ इसी तरह से आप अपने ऑडियो को यहाँ पे विदाउट कोई प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से दोस्तों एडिट कर सकते हो। सो अगर दोस्तों आप लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ तक वीडियो देखी है एंड इस तरीके से अगर आप वीडियो को ऑडियो को अपने एडिट करते हो तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आप बहुत ही आसानी से इजीली जस्ट वन क्लिक में जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया उस तरह से आप वॉइस को एडिट कर सकते हो। एंड जिन दोस्तों को अभी भी लगता है कि इस तरीके से अगर उनका वर्क नहीं कर रहा है ऑडियो एडिट नहीं हो रहा है तो मैंने आपको वीडियो में पहले ही कर दिया तो आप डिसलाइक कर सकते हो मेरे वीडियो को एंड वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में आप वेस्ट ऑफ टाइम लिख सकते हो। तो आई हो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ अगली बार।